खबर पर बसर से। रूपनगढ़ में किशनगढ़ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर रविवार रात पेट्रोल पंप पर लूट के मामले में तीनों ही आरोपी परबत्सर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दो आरोपियों को पुलिस ने एक रेडीमेड कपड़े की दुकान पर कपड़े बदलते समय पकड़ा तो तीसरे आरोपी को गांधी चौक से पिस्टल व कारतूस के साथ पकड़ा। इन तीनों आरोपियों को रूपनगढ़ थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी पुलिस ने इस मामले में कोई खुलासा नहीं किया है। जुन्ना निवासी जगदीशपुरी रविवार रात पेट्रोल पंप पर था, पर तीन युवक बाइक पर सवार होकर आए। एक युवक ने मोटरसाइकिल स्टार्ट रखी और दो युवकों ने उसे गन दिखाकर उसके जेब में रखे 40,000 रुपए ले लिए। तीनों लूटरों में से एक तो बाइक को स्टार्ट कर बैठा रहा, लेकिन दो युवक ऑफिस में गए और वहां पर भी नकदी तलाशी, लेकिन कुछ नहीं मिला तो बाद में फरार हो गए। बाद में पुलिस और पंप मालिक नटनलाल सोनी को सूचना दी तो पुलिस ने पनेर चौराहे के पास लुटेरों से पुलिस पर फायर करके बाइक वहीं छोड़ दी और अंधेरे का लाभ उठाकर मौके पर फरार हो गए। बताया जाता है कि पुलिस जब आरोपियों का पीछा कर रही थी तो आरोपी ने पनेर चौराहे पर बाइक छोड़ दी और फायरिंग कर भाग गए। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की, लेकिन तेज धमाका होने की बात स्वीकार की है। लूट के बाद लुटेरे परबत्सर की ओर भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और आरोपियों का पीछा किया तो पनेर चौराहे पर आरोपी अपनी बाइक को छोड़कर जंगलों में भाग गए। परबत्सर पुलिस के अनुसार सोमवार सुबह दो आरोपी परबत्सर की एक रेडीमेड की दुकान पर पहुंचे और वहां कपड़े खरीद कर कपड़े दुकान में ही बदलने लगे थे, जहां पहले से ही तैनात सादी वर्दी में लगे परबत्सर पुलिस के जवानों ने उनके कपड़े में कांटे लगे होने और बदहवाशी की हालत में होने पर शक के आधार पर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने वारदात को कबूल कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों को परबत्सर पुलिस ने अजमेर की रूपनगढ़ पुलिस को सौंपा दिया है। इसके बाद तीसरे आरोपी को भी गांधी चौक से पकड़ लिया गया है। उसके पास पिस्टल व कारतूस बरामद किए गए। ये सभी लुटेरे पंजाब साइड के बताए जा रहे हैं। इस संबंध में बात करने पर रूपनगढ़ MSHO कंवर लाल सिंह ने बताया कि कुछ संदिग्धों को पकड़ा है और पूछताछ की जा रही है।